चैत्र नवरात्रा यानी कि हिंदू धर्म का नव वर्ष आज से शुरू हो रहा है। ऐसे में हम खड़े हैं रांची के काली देवी मंदिर सामने। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जो सुबह से ही भक्तजन गए वो अपनी अरदास लगाने नवरात्रों पर आज काली देवी मंदिर में आए हैं। काफी लोग यहाँ पे पहुंचे गए। हमारे साथ है काली देवी मंदिर के जो मुख्य पुजारी गए वो गए, इनसे जान लेते हैं यहाँ के क्या महत्व है इस जो चैत्र नवरात्र का और इस जो हिंदू धर्म के हिसाब से बात करें नव वर्ष की। तो काली देवी मंदिर के मुख्य पुजारी हैं भारतभूषण जी, इनसे जान लेते हैं क्या महत्व है चैत्र नवरात्र की। पंडित जी क्या क्या महत्व रहता है, जैसे कि सुबह से लोग भी आ रहे हैं, किस प्रकार की श्रद्धा लेकर आपके पास आ रहे हैं? माँ भगवती की असीम कृपा द्वारा सभी कामनाएं पूरी होती है। फिर नवरात्रि 9 दिन चलते हैं, उसके बाद उपलक्ष्य में रामनवमी मनाई जाती है और रामनवमी ये आरती में पूजा चलती है। आप पिछली बार भी हुआ था जब रामचंद्र जी दुर्गा माता की अपनी पूजा कर रहे थे तो उन्होंने माता रानी के चरणों में पुष्प अर्पण कर रहे थे। तो जैसे पुष्प अर्पण करते रहे तो वो मन उनका नेत्र ध्यान करके तो देखा हाथ में पुष्प नहीं है और भगवान की माता भगवान श्री रामचंद्र माता के चरणों में अर्पित कर रहे हैं तो उन्होंने देखा फूल तो है नहीं तो मैं क्या चढ़ाऊँ, तो उन्होंने देखा भगवान तो उनको ये माता ने कहा नेत्र भी तो आप नेत्र चढ़ा, तो उन्होंने अपना नेत्र ऐसे ही निकाल लिया, इसलिए तो माता से प्रकट हो गई। तब उन्हीं के उपलक्ष्य रामनवमी मनाई जाती है और ये सनातन धर्म जो जनवरी आती है वो अंग्रेजों का टाइम है, हिंदू का टाइम क्षेत्र के प्रति पदार्थ ये 9 संवत्सर हो गया, पिंगल नाम का संवत्सर है और संवत 2080 लग चुका है आज से। तो ये हमारे सनातन धर्म का ये संवत ही मानते संवत। आज जो लोग आ रहे हैं किस तरह की आस्था लेके आ रहे हैं, किस प्रकार की जो माता रानी के यहाँ पे अरदास वो लगा रहे हैं? ये महारानी की माता रानी की 9 दिन की अखंडी ज्योति चल रही है जी। तो उसके लक्ष्मी के सभी अपने मनोकामनाओं के निमित्त जो भी भक्ति जो भी कामना लेकर के आते हैं उनकी हर कामना पूरी होती है, उसके लक्ष्मी की ज्योति चलती है, उसका आज होगा सैलाब। थैंक यू। तो हमारे साथ जो काली देवी मंदिर के ट्रस्टी हैं सुभाष जी, इनसे जान लेते हैं सर आप क्या कहेंगे, मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं हर साल की तरह कोरोना काल की बात करें तो कुछ अलग था। कोरोना काल में देखा गया था लोग इतने नहीं जुड़ पा रहे थे, लेकिन आज जैसे हम लोग आज सुबह आए गए तो यहाँ से लोगों का जो टाटा है लोगों की भीड़ है वो देखने को मिल रही है। तो पिछली बार के मुकाबले इस बार कैसा जो नवरात्रि का त्यौहार है लोगों में किस तरह के उमंग यहाँ पे देख रहे हैं? आप ये देख रहे होंगे कि नवरात्रि से काली मंदिर में अपार समूह यहाँ पर अपनी श्रद्धा मनोकामना पूरा के लिए आती है। यहाँ पर लगभग 2000 जोत चलती हैं, सवामणि भी लगती है, नवमी को भंडारा लगता है 30 तारीख को, या श्रद्धा मैया बिल्कुल डायरेक्ट है, मैया सबको आशीर्वाद देती है। अब नवमी वाले देखेंगे मैया अपने हाथ से आशीर्वाद देती हैं, वो भी देखने लायक बहुत होता है। बहुत ही लोगों की श्रद्धा भी है, ये प्रसाद भी बनता है, ये प्रसाद भी है मैया के दरबार में यही बनता है। थैंक यू प्रधान जी। तो कुछ लोग हैं ऐसे मेंबर इनसे जान लेते हैं यहाँ पे सामने किस सरकार की आस्था लेकर यहाँ आए, कब से आए आप? आधा घंटा हो गया। तो किस प्रकार की श्रद्धा माता में रखते हैं? कहाँ से आए? यूरोप से आप आए हैं? अच्छा, बहुत सालों से आ रहे हैं। बहुत साल से आ रहे हैं। तो NRI यहीं पे वहीं पे अभी वहीं पे रहते हैं 40 साल से रहते हैं। 40 साल से रहते हैं। तो हर साल आते हैं, हर साल आते हैं माता के मंदिर के दर्शन करते हैं, काली देवी मंदिर वहाँ भी करते हैं साल। अच्छा, मतलब हाथी पहले हाथी रहते थे? पहले हाथी रहते थे, अभी भी हाथी रहते हैं। तब हम लोग परिवार रात्रों में मौका मिला है माता रानी के दर्शन करने किस प्रकार की श्रद्धा माता में? मां शेरवंदा दरबारी की जय। तो आप सुन रहे थे लोगों को, यहाँ से जो लोग हैं कुछ फॉरेनर लोग यहाँ पे आए गए, यूरोप से आए हैं कुछ, NRI लोग आए गए। तो आप देख सकते हैं श्रद्धा खासी के काली देवी मंदिर की, प्राचीन काली देवी मंदिर का। बता दें कि अंग्रेजों के काल से ये काली देवी का जो मंदिर का माता का ये यहाँ पे स्थापित है, उससे पहले भी मतलब ये मंदिर यहीं था।
और देख सकते हैं लोगों की श्रद्धा और इनकी भक्ति से यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसा है कि पूरे 9 दिन यहाँ पे मंदिर में जो भक्तजन गए वो अपनी अरदास लगाएंगे। लगभग 2000 के करीब यहाँ पे जो जोते गए वो लोग जलवा के जाते गए, उनको हर दिन संभालने के लिए यहाँ पे लोग जरूर आते गए।